तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि एक तुर्की टोपी शंकु के छीनक के आकार की है। एक तुर्की टोपी, तुर्की टोपी मतलब एक तुर्की देश है, उस देश में एक विशेष प्रकार का टोपी पहना जाता है, इसलिए कह रहा है कि एक तुर्की टोपी शंकु के छीनक के आकार की है, जैसा कि आप लोगों को आकृति में दिखाया गया फिगर में, यही तुर्की देश का टोपी है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, खुला सिरा इसका मतलब जिधर हमको कपार में पहनना है यानी सर के अंदर जिस लगाना है उधर का सिरा खुला रहेगा और सबसे ऊपर वाला सिरा बंद रहेगा, वही कह रहा है खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई भी दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कह रहा है कि ऐसा टोपी अगर बनाना होगा तो कितना पदार्थ लगेगा। तो अब बताइए, कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा टोपी बनाना होगा तो कपड़ा किधर लगेगा, तो वक्र भाग में लगेगा और ऊपर का सिरा जो बंद है उधर लगेगा कपड़ा, क्योंकि नीचे वाला सिरा खुला है। ठीक है, तो नीचे वाला सिरा खुला है तो वक्र भाग में कपड़ा लगेगा और ऊपर वाले भाग में लगेगा। इसका मतलब कि अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर वाले सिरे का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो इस टोपी में कितना कपड़ा लगा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, फिगर बनाया जाएगा। ये ऊपर वाला सिरा हो गया जो कि बंद रहेगा, यह बंद है, यह सिरा क्या है, बंद है, यानी पदार्थ इसमें लगा हुआ है। आर टू हो गया, एल का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर। यह टोपी का नीचे वाला सिरा हो गया, यह खुला है, यहीं से हम लोग को सर में लगाना है। इसका त्रिज्या हो गया R1, तो दिया गया है खुले सिरे की त्रिज्या 10, यानी कि इसका त्रिज्या 10 है, इसका त्रिज्या बंद सिरे का 4 है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि टोपी के खुले सिरे की त्रिज्या, टोपी के खुले सिरे की त्रिज्या यानी R1 बराबर, क्योंकि खुला सिरा बड़ा है तो R1 बराबर 10 सेंटीमीटर। अब टोपी के बंद सिरे की त्रिज्या, बंद सिरे की त्रिज्या ऊपर वाला हुआ है जो बंद है, R2 बराबर 4 सेंटीमीटर। और टोपी की तिर्यक ऊंचाई दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई यानी L का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो अब हमको निकालना है कि टोपी में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, यानी कि इस टोपी को बनाने में कितना पदार्थ लगा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी बताए हैं कि इस टोपी में पदार्थ जो लगा हुआ है वक्र भाग में लगा हुआ है और ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके और ऊपर का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस टोपी के बंद सिरे का क्षेत्रफल, बंद सिरे का क्षेत्रफल। अब टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होगा जो छीनक का वक्र पृष्ठीय, तो छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L और प्लस टोपी के बंद सिरा, तो कौन सा सिरा बंद है, तो ऊपर वाला, ऊपर वाले का त्रिज्या R2 है, तो उसी के अनुसार फार्मूला लिखेंगे। तो चूंकि ऊपर वाला सिरा वृत्ताकार है तो वृत्त का होता है पाई R2 स्क्वायर। अब इसी को हल कर देंगे, पाई के जगह पर 22/7 इंटू R1 के जगह पर R1 का मान 10 प्लस R2 का मान 4 कोष्ठबंध L के जगह पर 15 प्लस के नीचे प्लस पुनः पाई का मान 22/7 रखेंगे आगुणे R2 का मान दिया गया है 4। तो चूंकि R2 पर स्क्वायर है इसलिए 4 × 4 2 बार लिखेंगे, तो 22/7
22/7 यहाँ भी है, 22/7 यहाँ भी है, 22/7 कॉमन ले लिए तो 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 10 4 14 आगुणे 15 प्लस 22/7 कॉमन आ गया तो 4 में 4 से गुणा होगा 16, 22/7 ज्यों का त्यों, 15 में 14 से गुणा होगा 15 चौके 60 हासिल 6, 15 210 प्लस 16, तो 22/7 ज्यों का त्यों इन दोनों को जोड़ देंगे, 210 में 16 जोड़ेंगे तो क्या होगा 226, 226 ना 7 से कटेगा, 17×21 नहीं कटेगा, गुणा कर देंगे 22 में इससे, तो 22 में 226 में 22 से गुणा करेंगे, 22×6=132 हासिल 13, 22×44=13, 44 से 13 जोड़ेंगे 57 के साथ हासिल 5, 22×44=5 49 यानी 49/72, 49/72/7 इसी को पूर्णांक में बदल देंगे, यही आंसर हो गया, यानी कि टोपी को बनाने में इतना पदार्थ लगेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में,